मंगलवार को कसमे में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मन गुप्ता ने लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साके के समर्थन में राजा गुप्ता के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वैश्य समाज के व्यापारी भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कहा कि अब CM योगी की सरकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बेझिझक हमारा समाज खुलकर मतदान करे। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक वैश्य समाज का मतदाता है, लेकिन समाचार पत्रों में संख्या सबसे कम दिखाई जा रही है। लोकसभा उपचुनाव में वैश्य समाज के व्यापारी वर्ग महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30,000 वैश्य मतदाता है। हम कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वैश्य समाज के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और अपना अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दें। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज से अपील कर रहे हैं कि इस बार अपना अमूल्य मतदान 100% रहने के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। और इस मौके पर अरविंद गुप्ता, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद, किशोरीलाल गुप्ता, विवेक गुप्ता, अनुराग गुप्ता, राजा गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अतुल गुप्ता, यीशु गुप्ता, अभिषेक गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुनिश्चित किया गया कि जो मेंटली लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साके को समर्थन देने की घोषणा की गई, और इसके साथ साथ वैश्य और व्यापारी समाज के बंधुओं से आग्रह है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करें, प्रसार करें और मतदान 100% की संख्या में करें, क्योंकि वोट का महत्व सबसे ज़्यादा है। और जब वोट का प्रतिशत 90% or 99% होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा। ये वातावरण बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये भ्रमण का कार्यक्रम आज रखा है। कल हम लोग किसनी भी गए थे, वहाँ भी जनसंपर्क भी किया, पत्रकार वार्ता भी की और एक बैठक भी आहूत की गई। वहाँ 1 दिसंबर को किसनी विधानसभा का वैश्य व्यापारी पिछड़ा सम्मेलन भी आहूत किया गया है, जिसमें उनके समर्थन की घोषणा की जाएगी तथा मतदान 100% की संख्या में हमारा हो, इस पर भी प्रयास रहेगा, जिससे कि मतदान जब होगा तो निश्चित रूप से प्रत्याशी को विजयश्री प्राप्त होगी। हम लोगों ने प्रारंभ किया और मैनपुरी के बाद करहल, कल जसवंत नगर में भी बैठक आहूत है, कल जसवंत नगर भी जाएंगे। क्या लक्ष्य लेके रखा है कि जो प्रत्याशी हमको जिताना है इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? सभी लोग शामिल है, मात्र जन जागरण अभियान है कि एक तो लोग कहते हैं कि वैश्य व्यापारी का वोट पड़ता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोट का 100% की संख्या में रहे। हमारा मतदान हमारा परम धर्म है, इसीलिए इसका नाम मतदान किया गया। मतदान से ही परिवर्तन आता है, ये निश्चित रूप से मतदान करके एक नया स्वरूप इस पूरे मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में दिखाई पड़ेगा। और वे शक्तियाँ हारेंगी जो अब तक अपने को विरासत मानते थे, अब जनता की आवाज निश्चित रूप से बुलंद होगी। 1 लाख से अधिक वैश्य मतदाता है, लेकिन जो समाचार पत्रों में सबसे कम संख्या अगर किसी की प्रदर्शित की जा रही है वो वैश्य व्यापारी समाज की है, जबकि बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस लोकसभा के उपचुनाव में वैश्य व्यापारी समाज का होने वाला है। इसीलिए हम लोग जनसंपर्क अभियान में निकले हैं कि ग्रामीण कस्बों में छोटे-छोटे क्षेत्रों में जो वैश्य समाज रह रहा है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें 30-35 हज़ार वैश्य मतदाता न रहता हो, इसलिए बड़ी प्रभावी संख्या है, प्रभावी भूमिका है। और ये भी प्रभावी भूमिका है उसके घर पर, उसकी दुकान पर जहाँ वो व्यवसाय करता है, वहाँ उसके यहाँ स्टाफ भी रहता है, ग्राहक भी आते हैं, माउथ स्पीकिंग के माध्यम से वातावरण बनाने का काम सर्वाधिक संख्या में कोई कर सकता है तो वैश्य व्यापारी समाज कर सकता है। बड़ी अपील ये है कि
जो रघुराज सिंह शाह के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उसको जिताने का काम करें। विरासत की जो दुहाई दी जा रही है वो अब समाप्त है। लोकतंत्र नई दिशा में और नई करवट ले रहा है, अब वो पुराना स्वरूप नहीं चलने वाला है। अब जनता जागरूक हो गई है और भय मुक्त, विशेषकर कहल के वह समाज से, व्यापारी समाज से अपील करूंगा कि भय मुक्त होकर मतदान करें, निर्भीक बने और तभी आप पर्याप्त संख्या में वोट डाल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोट बहुत है। लेकिन भयाक्रांत करने की जो कोशिश की जा रही है उसी की दृष्टि से आज हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है।